भवन, आप सबका कलाशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको जन्माष्टमी की खूब सारी शुभकामनाएं। इस बार हम कृष्ण जी का झूला खुद घर पर ही बनाएंगे, घर पर जो हमारे पास सामान अवेलेबल है उसी के साथ। तो चलो हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। झूला बनाने के लिए हमें कार्डबोर्ड चाहिए, कलर पेपर चाहिए, इस तरह से किनारी या लेसेस, रिबन्स, जो कुछ भी आपके पास हो आप उनको यूज कर सकते हो। इसका ये बेस बनाएंगे हम, तो इसका साइज है, इसकी लंबाई है 28 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। अब ये झूला है, झूले की सीट है ये, इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसकी 10 सेंटीमीटर। ये देखो, ये इस तरह से झूले का की बैक है, इसकी चौड़ाई रखी है 14 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। अब ये झूले की आर्म्स है, ये यहाँ से है, लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसकी 4 सेंटीमीटर। ये दो पीस भी हमें चाहिए इस तरह से, यहाँ से ये है 4 सेंटीमीटर, लंबाई है इसकी 22 सेंटीमीटर और नीचे वाली चौड़ाई है इसकी 11 सेंटीमीटर। अब हम इनको सबको कलर पेपर के साथ कवर करेंगे, फिर उसके बाद में इसको हमने जोड़ना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी हम इन सारे कार्डबोर्ड्स को कवर करेंगे। ये मैं बेस बनाऊंगी इसका, ये रेड कलर का वेलवेट पेपर है। आप इसकी जगह कोई भी फ्लोरोसेंट पेपर भी यूज कर सकते हो, क्रे पेपर भी यूज कर सकते हो, ग्लेस पेपर भी यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास पेपर अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई क्लोथ है तो आप वो भी लगा सकते हो। हम लोग इसकी जगह शनील का क्लोथ भी लगा सकते थे, लेकिन मेरे बच्चों के पास ये सारी चीजें घर पे अवेलेबल नहीं होती, इसलिए हम इसके ऊपर पेपर के साथ ही बना रहे हैं। ये देखो, ये झूले का बैक है, इसको हमने ये डबल किया मैंने पेपर येलो और ऐसे रखा। अब इसके चारों तरफ हम इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे और फिर हम ये दोनों पेपर्स को एक साथ कटिंग कर लेंगे। ये कर्व है और ये थोड़ा सा थिक है कार्डबोर्ड, तो जब हम इसके ऊपर पेपर लगा करके इसको फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ से नीट नहीं आएगा, इसलिए हम एक साइड इधर इसके पेपर लगाएंगे और एक इसके बैक में पेपर लगाएंगे। हमने एक पेपर इधर लगाया और दूसरा हम इसकी बैक साइड में लगाएंगे। अब जो ये पार्ट दिख रहा है इसका, इसको भी हम कवर करेंगे। अभी इसको आप फेविकोल के साथ भी जोड़ सकते हो, लेकिन उससे टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए मैं ग्लू गन लगा रही हूं। ये देखो, इस तरह से हमने इसके सारे पीसेस तैयार कर लेने हैं।
अब हम इसकी इस तरह से डेकोरेशन करेंगे। इसको हम यहां से इस तरह से मोड़ लेंगे। ये झूले की सीट बन गई है हमारी इस तरह से। अब हम इसकी बैक को भी थोड़ा डेकोरेट करेंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में। ये जो लेस है ये ऐसे राउंड में घूम जाती है, इसलिए हम इसको इस तरह से इधर चिपका लेंगे। ये वाली लेस, सारी लेसेस इस तरह से नहीं घूमती। कुशन हमें खाली लग रहा है, इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो हम पेपर के साथ ही इसको डेकोरेट कर लेते हैं। ये एक सर्कल हमने रेड काट के लगाया है। अब इसके ऊपर येलो अब इसमें एक छोटा सा रेड हम और कटिंग करके लगा देंगे, और इसके चारों तरफ हम ये ऐसे लगा देंगे। ये इस तरह से ये जो झूले के पिलर्स हैं, इनमें हम हल्का सा यहाँ पे कट करेंगे, क्योंकि हम जो ऊपर रॉड लगाएंगे झूले को झुलाने के लिए, उसके लिए हमें ये चाहिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखो ये इस तरह से ये दोनों पीस इसके पिलर्स तैयार हो गए। ये इसको हम झूले का ऊपर का शेड बनाएंगे। ये शेड बनाने के लिए हमें कार्डबोर्ड इस तरह से चाहिए है। ये देखो ये इस तरह से होना चाहिए, और इसके लिए हमें कोई भी आप कार्टन लोगे, जैसे ये कार्टन का मैंने इसका ये वाला पार्ट लिया है, ये यहाँ से मैंने कट कर दिया और इधर से कट कर दिया। ये देखो तरह से ऐसे ये वाला पोर्शन हमने लेना है। अब हम इसके ऊपर भी पेपर लगाएंगे और इसको भी डेकोरेट करेंगे। पेपर को भी हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है, इसकी क्रीज बना लेनी है। फिर हम इसके ऊपर ये इधर ग्लू लगाएंगे, ये ऐसे रखेंगे और ये इस तरह से आएगा। देखो ये कवर हो गया इस तरह से। अब हम इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं।
थोड़ा सा पिलर्स को भी हाईलाइट कर देते हैं ये फ्लावर्स के साथ। अभी हम ये इधर पिलर्स अटैच करेंगे। ये रॉड भी मैंने कार्डबोर्ड के साथ ही बनाई है, ये देखो यहाँ से दिख रही है, और उसके ऊपर रिबन लगा दिया है। आप इसकी जगह कार्डबोर्ड की जगह कोई भी ऐसे स्टिक भी ले सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो। अब हम इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। ये मैंने इसलिए थोड़ा जल्दी कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। तरह से इसको पूरा ऐसे नीचे तक हम लपेट कर लाएंगे, इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। और इसके जो एजेस हैं यहाँ पर भी कुछ हमें लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ से गंदे लगाएंगे। इसके ऊपर पेपर लगाने से एकदम से ये पेस्ट हो जाएगा, निकलेगा नहीं थ्रेड। ये देखो अब हम ये झूला जो है इसमें थोड़ा सा इधर भी लगाएंगे, इसको गम के साथ चिपकाएंगे ताकि ये हिले नहीं। ये देखो ये हमारा झूला तैयार है। हमें इसके ऊपर अब इस जो हमने शेड बनाया है ये इधर रखेंगे ऐसे। इसको हम फिक्स भी कर सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। ये देखो ये हमारा झूला बनके तैयार है। आप चाहो तो अपनी क्रिएटिविटी यूज कर करके किसी भी तरह से आप झूला बना सकते हो, कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हो, पेपर के साथ भी बना सकते हो, कपड़े के साथ भी बना सकते हो। ये देखो जैसे मैंने इधर डेकोरेशन करी है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगा करके इसको डेकोरेट कर सकते हो। ये देखो इधर हमने डोरी नीचे लगा दी है इसके, और आप इस डोरी की जगह चाहे मोली लगा लो, चाहे रिबन लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो। आप चाहो तो कृष्ण जी का बिस्तर भी बना करके लगा सकते हो बीच में। ये देखो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को इसमें बिठाया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।